जा रहे हैं मिल्क शेक। दो वैरायटी के मिल्क शेक मैं बनाऊंगी, एक मिल्क शेक है मिक्स ड्राई फ्रूट मस्तानी और सेकंड मिल्क शेक है हाइड एंड सीक बिस्किट मिल्क शेक। इसके इंग्रेडिएंट्स है, इसके लिए हम ले रहे हैं थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू, 4 to 5 अंजीर, 3 डेट्स और 4 to 5 अखरोट। अब इन सभी ड्राई फ्रूट्स को हमें पानी में भिगाना है। अब इन ड्राई फ्रूट को हम 5 to 10 मिनट्स के लिए सॉक करेंगे। अब 5 मिनट हो चुके हैं, हमारे पूरे नट्स भीग चुके हैं अच्छे से। अब हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे, पानी से निकालना है, हमको पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अब इसमें हम थोड़ा सा 1 ग्लास मिल्क ले रहे हैं, पहले हम थोड़ा सा मिल्क इसमें डालेंगे और इसे पीस लेंगे। अभी अच्छी तरह पीस चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 स्पून शुगर और उसके बाद फिर से बचा हुआ दूध डालकर एक बार मिक्सर में घुमा लेंगे। अभी अच्छी तरह पीस चुका है, अब हम इसे 1 ग्लास में डालेंगे। अब हम इसे गार्निशिंग करेंगे ड्राई फ्रूट के साथ। पतले स्लाइस में काटकर अंजीर, बादाम और अखरोट के पीसेस लिए हैं। चलो अब हमारा नेक्स्ट हमारी जो हाइड एंड सीक का मिल्क शेक है उसे बनाते हैं। ये रेडी है हमारा मिक्स ड्राई फ्रूट मस्तानी। आप देखते हैं हाइड एंड सीक बिस्किट मिल्क शेक। हाइड एंड सीक मिल्क शेक के लिए हम लेंगे बिस्किट 4 to 5, शुगर लेंगे 2 स्पून, मिल्क लेंगे 1 ग्लास, ये थोड़ा सा कोको पाउडर और ये चॉकलेट सॉस। सबसे पहले हम मिक्सी की जार में बिस्किट के क्रश करके डालेंगे बिस्किट को। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1/2 ग्लास मिल्क, फिर डालेंगे हम इसमें 2 स्पून शुगर, डालेंगे इसमें 1 स्पून कोको पाउडर, और थोड़ा सा चॉकलेट सॉस। अब हम इसे मिक्सर में पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे, हमें हमारा ये पीस चुका है हाइड एंड सीक बिस्किट। अब हम इसमें डालेंगे आइस क्यूब 4 to 5 और फिर से एक बार उसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। अभी हमारा पीस चुका है, मैंने पहले ही ग्लास को चॉकलेट सिरप से डेकोरेट करके रख लिया था। ये बन चुका है हमारा हाइड एंड सीक चॉकलेट सिरप। अब हम इसके ऊपर थोड़े छोटे छोटे चॉकलेट सिरप के पीसेस डालेंगे, इसलिए हाइड एंड सीक बिस्किट के पीसेस डालेंगे और थोड़ा सा चॉकलेट सिरप से गार्निशिंग करेंगे। ये रेडी है हमारे मिल्क शेक। थैंक यू सो मच।